पिछले कुछ दिनों से भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। विवाद का कारण है कि हाल ही में नेपाल ने भारत में निर्माणाधीन एक सड़क पर आपत्ति जताई है। ये सड़क उत्तराखंड में धारचूला को लिपुलेख से जोड़ती है, जो करीब 80 किलोमीटर लंबी है, जिस पर नेपाल ने भारत को खुलेआम धमकी दी है और आधिकारिक तौर पर भारत के खिलाफ सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन किया है। वहीं इस पूरे मामले पर जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नेपाल के प्रति भारत की विदेश नीति ठीक नहीं होने के कारण आज नेपाल में यूरोपीय शक्ति अपना पांव पसार रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में भी साउथ ब्लॉक में बैठे अधिकारी नेपाल के प्रति अच्छी सोच नहीं रखे हुए हैं। यही कारण है कि नेपाल से हमारी संस्कृति समेत अन्य बातें एक होने के बाद भी आज भारत से नेपाल दूर होता जा रहा है। तो मैं तो आरंभ से इस मत का था कि इस तरह का गणित है वोटों का, उसको देखते हुए चुनाव को सर्वसम्मत हो जाने के लक्ष्य बिहार में सर्वसम्मत हो गया, महाराष्ट्र में विधान परिषद का सर्वसम्मत हो गया, तो हमको भी प्रयास करके सर्वसम्मत कर लेना चाहिए। अब कहां प्रयास में कमी रह गई कि सर्वसम्मत नहीं हुआ। सर्वसम्मत नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी आकलन करके पक्ष पक्ष दोनों को भी अपने औकात का पता करके चुनाव को सर्वसम्मत के सदृश करा लेना चाहिए, तभी अच्छा होगा। झारखंड के चेहरे पर हमेशा ही कोई ना कोई किसी न किसी तरह की छाप पड़ती रहती है। राज्यसभा का चुनाव होता है, बेहतर है फिर से झारखंड का चेहरा कलंकित नहीं हो। खरीद फरोख की बात आएगी, हॉर्स ट्रेडिंग की बात आएगी, जिसके पास कम वोट है वही कोई कोशिश करेगा तो वो कोशिश तो सराहने वाली कोशिश नहीं होगी। तो मुझे लगता है एक पक्ष का एक विपक्ष का सर्वसम्मत होकर चुनाव में जीतना लेना चाहिए। मैंने आप सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे कि विपक्ष के साथ रहेंगे? हम कभी न रहे, कभी नतीजा वही होगा, एक पक्ष का जीतेगा एक विपक्ष का जीतेगा। लेकिन ऊपर भी आपने जैसे मेरे यहाँ शुरू में दीपक प्रकाश जी आए थे, उनके और पदाधिकारी आए थे, उनके राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी आए, तो मैंने यही कहा था कि देखिए अगर हमारे एक वोट से दीपक प्रकाश जी चुनाव हार जाएंगे, हमारे वोट नहीं देने से हार जाएंगे, मैं वोट दे दूंगा, मगर इस गिनती कराने के लिए नहीं दूंगा कि भाजपा के विधायक तो है 26 और उनको वोट मिल गया 30, वोट मिल गया 28। इस गिनती में मैं अपने आप को शामिल नहीं करना चाहूँगा। और मुझे लगता है कोई संकट नहीं है, तो दो सीटें खाली हो गई हैं, तो 26 साढ़े 26 पर ही चुनाव हो जाएंगे।